बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम हाई स्टार एंड नॉर्थ सिटी पब्लिक सेकेंडरी स्कूल एंड कॉलेज। दिस इज अवर बायो क्लास फॉर क्लास 8 and 9। वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड अवर लेक्चर नंबर इज 4। Our topic is unicellular organization. All single organisms carry out all the activities of life. They digest the food, they respire, excrete, move, and etc. All the other cellular based by simple method, bacteria, amoeba, paramecium, euglena are the common examples of unicellular organism. Unicellular organization मतलब एक सेल वाली तरतीब। इसमें जो है एक सेल से बनने वाले ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, जो कि एक ही सेल उनके जिस्म में तमाम एक्टिविटीज ऑफ लाइफ जो है सर अंजाम देता है, यानी डाइजेस्ट करता है फूड को, रेस्पायर सांस भी देता है, खारिज भी करता है, एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट का इखराज भी होता है, हल्का कदा वगैरह, ये सब जो है वो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जो है इनकी कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम लिव टुगेदर बाय फॉर्मिंग कॉलोनीज बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। इन कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम लिव इट्स ओन लाइफ। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड नेवर फॉर्म एनी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। वॉल्वेक्स इज अ ग्रीन एल्गा एज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल यानी बहुत से जो यूनिसेलुलर हैं वो एक साथ मिलकर रहते हैं और अपने अपने काम खुद अंजाम देते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम के इस तरह एक साथ रहने को हम कॉलोनी कहते हैं। इस कॉलोनी में रहने वाले जानदार एक दूसरे पर इंसान नहीं करते और ना ही कोई मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल में ग्रीन अल्गा वॉल्वेक्स शामिल है, जो कि कॉलोनी में कॉलोनी के अंदर ही जिंदगी गुजारता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनिज्म फाउंड बाय मेनी सेल्स इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजम। फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर तरतीब के अंदर क्या है, ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारे जो सेल से बने हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट जो है इसकी एग्जाम्पल्स हैं। मस्टर्ड प्लांट ब्रासिका कंपेस्ट्रिस इज अ कॉमनली नोन एज मस्टर्ड प्लांट एंड लोकली इट इज कॉल्ड सरसों। इट इज मल्टी सेलुलर एंड कल्टिवेटेड इन विंटर सीजन। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज एज वेजिटेबल व्हाइल सीड्स आर यूज फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन। द लेंथ ऑफ दिस प्लांट इज 1 to 1.5 meters। द प्लांट हैज टू पार्ट्स, अ वेजिटेटिव पार्ट व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ रूट स्टेम एंड लीव and reproductive part which consists of flower. Each flower is yellowish in color and produce seed. Brassica compressus जो है मस्टर्ड प्लांट का नाम है, जिसको हम लोकली सरसों भी कहते हैं। ये भी मल्टी सेलुलर है और विंटर सीजन में इसकी काश्त की जाती है। इसके जो पत्ते हैं हम उसको वेजिटेबल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसके बीज से हम तेल निकालते हैं। ये पौधा तकरीबन 1 to 1.5 meters तक लंबा होता है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक वेजिटेटिव जिसमें रूट स्टेम और लीफ शामिल है, और दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें फ्लावर है। फ्लावर जो है इसका ग्रीन कलर का होता है और उसमें सीड प्रोड्यूस होते हैं। सरसों का फूल जो होता है वो येलोइश कलर का होता है और उसमें जो और वो प्रोड्यूस करता है बीज। डियर व्यूवर्स, आप हमारे तमाम लेक्चर्स को यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए दी NCPSS एंड दी HSPSS और हमारे ऑफिशियल चैनल प्रोफेसर MM मंजूर। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉग। Rana divina is the scientific name of a spotted frog found commonly in our region. It is a multicellular animal. It lives in both water as well as on land. Its body is divided into head and trunk. There is no neck. Its body is made up of organ system with different organs. All the organs are made up of different tissues such as epithelial,
glandular, muscular, nervous, etc. lives near ditches, pools, ponds, stagnant stream and slow-moving rivers. It feeds on small insects. हमारे रीजन में जो आमतौर पे जो क्रॉप पाया जाता है वो स्पॉटेड होता है, धारीदार होता है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो राना टिक्रीना है। ये मल्टी सेलुलर एनिमल है और पानी और खुश्की दोनों जगहों पे रहता है। इसकी बॉडी हेड और ट्रंक यानी कि सर और धड़ पर मुश्तमिल होती है। इसमें इसके अंदर कोई गर्दन नहीं होती। तमाम ऑर्गन्स जो है मुख्तलिफ टिश्यूज से बनते हैं, जैसे एपिथेलियल है, ग्लैंडुलर है, मस्कुलर है, नर्वस टिश्यू, ये सब तमाम टिश्यू से बनते हैं उनसे ऑर्गन्स। और ये रहता है खाइयों में, तालाबों में, रुके हुए पानी में और सुस्त बहते हुए पानी में, और उनकी जो खुराक है वो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। इसके बाद हमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम इन डाइसेक्टेड फ्रॉग, हमें ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम को हमें इसमें पहचान करवाई गई है डाइसेक्टेड फ्रॉग के अंदर। इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड है प्रिजर्व्ड फ्रॉग, डाइसेक्शन बॉक्स, डाइसेक्शन ट्रे एंड पेन्स। जो हमें मटेरियल चाहिए होगा उसमें हमें प्रिजर्व फ्रॉग चाहिए होगा, डाइसेक्शन बॉक्स चाहिए होगा और डाइसेक्शन ट्रे भी चाहिए पेन्स के साथ। प्रोसीजर इज प्लेस द प्रिजर्व फ्रॉग ऑन डाइसेक्टिंग ट्रे ऑन इट्स बैक एज ऑल वर्टीब्रेट्स आर डाइसेक्टेड वेंट्रली, पिन डाउन द फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, टेक सीजर टू कट द एब्डोमेन वेंट्रली फ्रॉम क्लाइका टू द माउथ, अगेन कट डाउन द स्किन ऑफ लिम्स फ्रॉम ईच साइड एंड पिन डाउन, एक्सपोज द विसरल ऑर्गन्स क्लियरली, मेक ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, लोकेट द ऑर्गन्स एंड आइडेंटिफाई देम। इसमें एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि आपने जो आपको प्रिजर्व फ्रॉग दिया हुआ है उसको आपने ट्रे पर ले जाना है और उसको वेंट्रली साइड से उसको काटना है, फिक्स कर लें, सबसे पहले पिन से फिक्स कर लें, फिर एक कैंची की मदद से इसके खाल को काटिए और इस खाल के दोनों अतराफ को पिनों से फिक्स कर लें, और फिर जब तमाम ऐसा खुलकर सामने आ जाए तो अब ऐसा को और वाजे करें और गौर से इसका मुशाहिदा करें। यहाँ पर एक टेबल भी दिया हुआ है जहाँ पर आपको ऑर्गन सिस्टम के नाम दिए हुए हैं और ऑर्गन सिस्टम में जो जो ऑर्गन्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको ऑर्गन्स के नाम दिए हुए हैं, माउथ, बकल कैविटी, फार्लिंग, सुइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, क्लाइका, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, ये तमाम जो ऑर्गन्स हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम का भी दिया हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी ऑर्गन दिए हुए हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी ऑर्गन्स हैं और रिप्रोडक्टिव के भी हैं, नर्वस सिस्टम के भी हैं। यहाँ पर जो आपको फिगर दी हुई है डाइसेक्टेड फ्रॉग की, यहाँ पर आपको लेबल करनी है इस डायग्राम को, तो आप सबसे पहले इस फ्रॉग को देखेंगे तो आपने लेबलिंग करनी है और इसमें ज़्यादातर जो आपको दिखाया गया है वो डाइजेस्टिव सिस्टम ही दिखाया गया है। इसमें आप लेबल कीजिएगा डायग्राम बना के, जैसे ये आपका है माउथ, ये आईज हैं, ये नॉस्ट्रल्स हैं, ये आपका हार्ट है और ये लंग्स हैं, ये एरिया फार्निक्स कहलाता है और ये स्टमक है, इंटेस्टाइन है ये, और ये रेक्टम है और ये एनस है। इस तरीके से आप इतने इसको लेबलिंग कर लेंगे और इनके नाम को अच्छी तरीके से याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमीबा। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म फाउंड इन अ मड ऑफ शैलो पॉन्ड्स, पूल्स एंड एट एनी स्टैग्नेंट वाटर। इट्स साइज इज अबाउट 0.25 mm। द अमीबा हैज इररेगुलर शेप। इट हैज अ सेल मेम्ब्रेन व्हिच हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटेक्ट साइटोप्लाज्म। The outer part of cytoplasm is clear and transparent, called ectoplasm gel. The inner part is called endoplasm soul. The cytoplasm contains nucleus, food vacuoles, mitochondria. Amoeba moves by fourth food called pseudopodia. यहाँ पर आपको एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म
अम्बिका के बारे में बताया गया है कि वो कहाँ रहती है, थोड़े से शैलो पॉन्ड यानी कि कम पानी की तह में मड के अंदर पाई जाती है। ये रुके हुए पानी में भी होती है, पूल्स में भी होती है। इसका साइज तकरीबन 0.25 mm है, बहुत ही छोटा। अमीबा का इरेगुलर शेप होता है, अपना शेप चेंज करती रहती है। उसके अलावा उसके सेल मेम्ब्रेन होती है और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो उसमें मदद देती है सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती, हिफाजत करती है। साइटोप्लाज्म की जो आउटर पार्ट होता है जिसको हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं, वो जेल टाइप मटेरियल का होता है, बड़ा क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है। जबकि अंदर का जो होता है जिसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं, सोल कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब मौजूद होते हैं। और अमीबा जो है हरकत किससे करती है, अपने पॉज फूड जिसको हम सूडोप्लोडिया कहते हैं, इससे ये मूवमेंट करती है। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास वॉल्वेक्स की। वॉल्वेक्स इज अ पॉलीफाइलेटिक मेनी एंसेस्टर जीन्स ऑफ क्लोरोफाइट ग्रीन एल्जाई इन द फैमिली ऑफ वॉल्वोकेसी। इट फॉर्म्स स्फेरिकल कॉलोनीज ऑफ अप टू 50,000 सेल्स। दे लिव इन अ वैरायटी ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट्स एंड वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय एंटोनियो वैन न्यूमैन होक। वॉल्वेक्स जो है ये बहुत सारे आबाओ अजदाद की जिन्स से ताल्लुक होता है, मतलब आबाओ के से ताल्लुक रखता है, और उसकी फैमिली जो है वो वॉल्वो कैसे कहलाती है। इस ये जो है गोल दायरे में होती है, तकरीबन इसके 50,000 सेल्स होते हैं और वो फ्रेश वाटर हैबिटेंट्स के अंदर रहती है। और इसको सबसे पहले जो एग्जामिन किया वो लिविंग बुक ने 1700 के अंदर किया। Volvics once called algae that live together in a colony. Each Volvic cell has two flagella. The flagella cleave together to roll the body in water. Volvic cells have chlorophyll and make their own food by photosynthesis. These photosynthesis organisms are an important part of any aquatic ecosystem. Volvics are not harmful to humans because they do not produce any toxic substance. वॉल्वेक्स जिसको कभी एलजाई भी कहते थे, वो कॉलोनी में रहती है। जो वॉल्वेक्स होता है उसकी टू फ्लैजिला होती है, और फ्लैजिला जो है वो बॉडी को मूव करने में मदद देती है पानी में। वॉल्वेक्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और इस वजह से वो अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं। और ये वॉल्वेक्स जो है ह्यूमंस के लिए हार्मफुल नहीं होता क्योंकि उनके अंदर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं पाया जाता। यहाँ पर हम अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा। अब आपने हमारे लेक्चर्स को, चैप्टर वन को अच्छी तरीके से बार बार सुनना है, और जो इस चैप्टर के आखिर में एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स आपने सॉल्व करनी है अपनी कॉपी के अंदर, और डिफाइन द टर्म्स यानी कि आपने छोटी छोटी डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर एक्सरसाइज के अंदर, आपने वो करनी है। और अपना काम स्कूल में चेक भी करवाना है आपने, और इसके मुताबिक नोट्स आपको स्कूल ही से मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 8, 9, 10 के तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं। NCPSS एंड HSPSS और हमारा ऑफिशियल चैनल प्रोफेसर MM मंसूर। हमारे तमाम चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू व्यूअर्स। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। चैप्टर वन हम कंप्लीट कर चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर टू स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।